58 करोड़ कैश और 32 किलो सोना, 13 घंटे तक चलती रही गिनती। महाराष्ट्र में पड़े आईटी के छापे तो 390 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई। जी 390 करोड़। कौन है, किसके यहाँ पड़ी ये रेट, चलिए सब बताएंगे आपको। लेकिन जो लोग आईटी, ईडी और सीबीआई पर सवाल उठाते हैं, सरकार की नीति को और मंशा को लेकर कटघरे में खड़ा करते हैं, वो इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद आईटी की मुस्तैदी और उसकी ताकत का अंदाजा आपको चंद मिनटों में लगने वाला है। पहले ये समझिए कि 390 करोड़ वाले इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। ये पूरा ऑपरेशन बहुत ही शांत तरीके से किया गया। लोकल पुलिस तक को रेड के 3 दिन तक इसकी जानकारी नहीं थी। जी सही सुना आपने, 3 दिन तक लोकल पुलिस को मालूम ही नहीं था कि चल क्या रहा है। सूत्रों ने बताया कि 3 दिन की छापेमारी के बाद लोकल पुलिस को इत्तला की गई और फिर उसकी मदद ली गई। इस रेड में मिले कैश को जालना के स्टेट बैंक में ले जाकर गिना गया। सुबह 11 बजे कैश की गिनती शुरू होती है और रात को 1 बजे जाकर कैश की गिनती पूरी होती है। जी खबर ये है कि पिछले हफ्ते 3 अगस्त की दोपहर एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। इसकी भनक किसी को नहीं थी और ये छापेमारी 4-5 दिन तक चली, कई ठिकानों पर रेड हुई। चलिए अब ये जानिए कि खबर कैसे लगी। दरअसल इनकम टैक्स को ये सूचना मिली थी, जालना के 4 स्टील कंपनियों ने अनियमितताएं की हैं। इसके बाद विभाग एक्शन में आया, छापेमारी आईटी रेड की थी। इस छापेमारी में घर में कुछ नहीं मिला, बल्कि शहर के बाहर एक फार्म हाउस में नकदी बरामद की गई। क्या है इस छापेमारी की कहानी, अब आगे ये भी समझिए। आईटी के सूत्र बताते हैं कि 58 करोड़ रुपए उन्हें छापेमारी के दौरान फार्म हाउस और बैंक लॉकर से मिले, 28 करोड़ रुपए कैश फार्म हाउस से मिले, जबकि 30 करोड़ रुपए बैंक लॉकर से मिले हैं। जिन पैसों को सीज किया गया है वो एक लोकल मनी लेंडर के ठिकाने से मिले हैं, जिसकी जानकारी छापेमारी के दौरान मिली थी। ये छापेमारी श्रीराम स्टील, कालिका स्टील, एक कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंसर विमल राज बोरा और डीलर प्रदीप बोरा के यहाँ पर हुई। 390 करोड़ की संपत्ति की जानकारी मिलना और उसे कुर्क कर लेने वाले इस गुप्त ऑपरेशन में आप ये भी जान लीजिए कि आयकर विभाग के 260 अधिकारियों ने छापेमारी की थी। 260 यानी साफ है आईटी मुस्तैद है और महाराष्ट्र के जालना में स्टील कारोबारियों के ठिकानों पर आईटी के छापे यही संकेत देते हैं। अगर ऐसा ना होता 390 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पता कैसे चलता। 58 करोड़ कैश और 52 किलो सोना। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।